ये प्रकृति, ये सृष्टि हमें सदैव ही नए प्रकार के आनंद देती रहती है। ये हरियाली, ये वनश्री हम सभी जीवों को प्रतीक्षम जीवन का एक नया अनुभव देती है। हमारे चाहने वालों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है ध्रुव और जंगल सफारी पर जाना है मेरा काम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज आपको मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में बसे खूबसूरत ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सैर करवाऊंगा और साथ ही मैं यहाँ के इतिहास से रूबरू करवाऊंगा। तो मेरे लेफ्ट पे फ्रेंड्स, यू कैन सी अगरजरी गेट आया है, सफारी गेट है ये पहला गेट है। ये दो गेट से जो आमने सामने है एकदम, ये आप देख सकते हो अगरजरी गेट, यहाँ से गाड़ियाँ सफारी के लिए अंदर जाती हैं। ये रहा, वाओ। और ये दूसरा पड़ा है देवबाड़ा सफारी गेट, यहाँ से भी अंदर जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये दोनों गेट जो हैं ये आमने सामने हैं। और ये हमारे गुड्डू भैया हैं। तो गुड्डू भैया, ये जो दोनों गेट है, ये वाले, ये भी कोर जोन का हिस्सा है या ये बफर के अंदर? ये बफर में आता है। कल सुबह की हमारी सफारी जो है वो मोहारली गेट की है। और ये ट्रिप जो है ना, ये बहुत शॉर्ट ट्रिप था। ये एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें, तो अभी जस्ट मैं आया हूँ और सुबह कल मैं बॉम्बे से चला था। बॉम्बे से लगभग 4 बजे मेरी बस थी और मैं अभी आज सुबह लगभग तकरीबन 11 बजे नागपुर पहुँचा। नागपुर से मैंने एक और बस पकड़ी चंद्रपुर के लिए और फिर गुड्डू भैया जो है मेरे को लेने के लिए आ गए बस स्टैंड पर। और अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। ये गुड्डू भैया, ये जो इन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये क्या एग्जिट पॉइंट्स है कि क्या? गाड़ी यहाँ से बाहर निकलती है, बाहर भी निकलती है, अंदर भी जाती है। अच्छा, गाइड उतरेगा और उठाएगा, वही जाएगा, बाकी कोई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। सो आज हमारी पहली सफारी है सुबह की और हम इस टाइम पे अभी मोहारली गेट पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:30, सनराइज़ हो ही गया है। एंड ये मेरी पहली सफारी है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जिन्होंने दाड़ा में ताडोबा, पहली बार ताडोबा में हूँ। ताडोबा जो है, पहले थोड़ा सा आपको एरिया के बारे में बता देता हूँ कि जो ताडोबा का टोटल एरिया दैट 1700 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 620 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका कोर एरिया है। 1100 जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो आपका बफर जोन के अंदर आता है। ताडोबा के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन है, जो टाइगर डेंसिटी है, काफ़ी हाई है। सो लेट्स सी, अभी हम जा रहे हैं अंदर को, होता क्या है। और मेरे साथ में यहाँ पे हमारे गाइड भैया खड़े हैं, वसंत भैया। वसंत भैया, मॉर्निंग। हमारे सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को थोड़ा सा प्लीज़ ताडोबा के बारे में बताना चाहेंगे आप? ये इंडिया में जो फ़िलहाल जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 52 टाइगर रिजर्व है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र स्टेट में 6 टाइगर रिजर्व है। तो ये जो पार्क है हमारा टाइगर रिजर्व का, ये 1995 में बनाया हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको यही बता सकता हूँ कि पूरे सेंट्रल इंडिया में हमारे तरफ टाइगर का जो हाई डेंसिटी है और विजिबिलिटी भी मस्त होती रहती है। तो गाइस, चलो टाइम हो गया अभी अंदर निकलने का। एक्चुअली मैं, मेरे ड्राइवर भैया जो हैं वो मेरा कैमरा का पर्ची कटवाने गए थे। तो यहाँ पे जब भी आप अपने साथ कैमराज लेके आएंगे तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, 250 रुपीज़ यू हैव टू गिव फॉर द कैमरा चार्जेस। तो बस देखो, सनराइज हो गया है और मोबाइल जय माता दी बंद करो। ये पूरे पार्क में पक्की सड़क बनाई हुई है इनने? नहीं, 19 किलोमीटर था। अच्छा, ये 1955 में ये बनाया गया ना। ओके, नेशनल पार्क। अंदर में जो कुछ गांव वाले थे, ट्राइबल कम्युनिटी, तो कुपोषित ग्रस्त थे। अच्छा, तो जिला परिषद वालों ने, और उस वक्त उतनी सख्त गाइडलाइन नहीं थी ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्थापित नहीं किया गया था। तो उस जमाने में फिर अलाउड कर दिया 19 किलोमीटर उनकी फर्स्ट एड प्राप्त करने के लिए देने के लिए। चलो, तो अभी ऑफिसर लोग भी इसको चला रहे हैं और एंटी से भी इसको रिपोज नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि मेन रीजन ये है कि डिपार्टमेंट का कंजर्वेशन के लिए फास्ट कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ओके,
कहा जाता है कि तारू नामक एक युवा लड़ाकू ने अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए एक बाघ से एक झील के किनारे लड़ाई की थी, जिसे आज हम टाडोबा झील के नाम से जानते हैं। इसमें तारू की जीत तो हुई, लेकिन वो शहीद हो गया। स्थानीय लोगों ने उनकी याद में मंदिर बना के तारू को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मंदिर अभी भी टाडोबा के मोहरली जोन में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि टाडोबा का नाम भी तारू के नाम पे ही रखा गया है। सो दादा, इस टाइम पे यहाँ का भी फीमेल मतलब टाइगर्स कौन से हैं, मेल डोमिनेंट और फीमेल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर। अभी 20% का जंगल अपने हाथ में होता है टूरिज्म के लिए, तो 20% बीस टक्के के जंगल में 18-20 टाइगर है। ओके, तो अभी अपन लेटेस्ट जा रहे हैं सोनम नाम की टाइग्रेस की तरफ। हाँ। और यहाँ दो दो मेट रहे थे। अच्छा। एक घुसपैठ जो 4.5 साल बाद आया हुआ, यानी 4.5 साल का उम्र का। अच्छा। वो एक छोटा दड़ियल करके रहता है। हाँ। और एक बजरंग करके, बजरंग तो बजरंग ये ओल्ड स्टेज में आ गया सर। ओके। 15-16 के घर में आ गया। अरे बाप रे। तो वो ज्यादातर बफर जोन में रहता है। तो ये घुसपैठ आ चुका है यहाँ इधर हमारे तरफ। ये दोन डोमिनेंट मेट मेल टाइगर बोलेंगे अपन। और दूसरी एक बात, आगे चल के जब जाते हैं तो छोटी तारा नाम की टाइग्रेस है जो पुरानी है, यानी कम से कम 14-15 साल की हो चुकी है। और फिर लारा नाम की टाइग्रेस है। सोनम, लारा ये सब तो बहने हैं ना? हाँ, चारों अलग अलग है। अलग अलग है सोनम लारा, ये जो सिस्टर है माधुरी की बच्ची। हाँ, है ना ये सोनम, सोनम की ये लारा सिस्टर है। हाँ। लेकिन छोटी तारा का कोई रिलेशन नहीं। और ये डिफरेंट सोनम और लारा की माँ की माधुरी, लारा मुन्ना लारा गीता। हाँ। और सोनम, ये चार सिस्टर थी, तेलिया सिस्टर करके बहुत खूबसूरत। हाँ। यानी एक हाँ। वीडियो क्लिपिंग है, बिल्कुल, बिल्कुल आप देख सकते हो। और ये माधुरी की बच्ची है, ये सब यानी डॉटर है माधुरी की। Yes. और सबसे ओल्ड टाइग्रेस हमारे तरफ जो है वो है माधुरी। वो बफर जोन में रहना पसंद करती है क्योंकि उसको डोमिनेट करके ये माया टाइग्रेस ने ही भगा दिया उसकी डॉटर ने, सॉरी सोनम नाम की टाइग्रेस ने। अच्छा। तो बफर में रहती है और लाइव मोशन में है। Okay. उसके पहले उसके जो पिताजी जो थे अपना सोनम के वागडो मेल करके गए साल, यानी वो एक्सपायर्ड हुए नेचुरली। हाँ। तो उनकी उम्र डिपार्टमेंट ने यानी लगाया 19 साल। ओके। 19 ईयर। बाप। तो कहने का मतलब हमारे तरफ का जो टाइगर है अच्छी कंजर्वेशन की वजह से पूरा यानी लाइफ स्पैन बढ़ा रहा है। सो गाइस, यू कैन सी द क्लॉ मार्किंग, इट्स अच्छे से यहाँ पे विजिबल है। हाँ वसंत बाबू, चल हम बोल रहे थे। हाँ, तो ये यहाँ का जो डोमिनेंट मेट मेल टाइगर है तो उसने यानी अपने बॉर्डर डिस्प्ले करने के लिए दूसरे टाइगरों को तो दो पैर पे खड़े होके क्लोरोक्साइलोन स्वीटेनिया यानी भेरा नाम का जो यह है पेड़ है उसके ऊपर दो पैर पे खड़ा होके अपने दोनों पंजों से आगे वाले उन्होंने क्ला मार किया है। तो वो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ कि ये मेरी सरहद है, आप मत आइए। मेरा इलाका है। वाह। तो अभी तो स्टार्ट करिए सफारी। अभी पीछे एक्चुअली में क्या होता कि जब एंटर कर रहे थे तो एक जगह रुके थे, वहाँ पे स्मेल आ रही थी। सो आई थिंक वहाँ पे शायद कुछ किल हुई थी, लेकिन काफ़ी दूर से ऐसा लग रहा था कि स्मेल आ रही है। सो अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, अभी भी टेकन अभी चक्कर काट रहे हैं। सुबह का एक मुआयना जैसे हम करते हैं हमेशा फॉरेस्ट का कि कुछ कॉल्स आए और अगर बग मार्क्स अगर लगे हो तो पहले हम वो सब चेकआउट कर रहे हैं, और जैसे एक्शन शुरू होएगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे भी अपना स्पीड लिमिट का है गाड़ी का, GPS दिया है, दिया है। ओके, मतलब 25 से ऊपर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30। ये एंशियंट पिलर है हमारे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के अंदर स्थापित किए गए। इनको बनाया गया 17वीं सेंचुरी में, और ऐसा बोला जाता है कि बल्लारपुर जो
पेपर इंडस्ट्रियल सिटी है, नज़दीक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक, प्रॉपर प्लेस के नज़दीक, वहाँ का एक ट्राइबल राजा जिसका नाम था खांडकिया बल्ला, वो जब डिप्लोमेटिक पॉलिसी खेलने के लिए नाइट विजन में हर्ष गाड़ी के ऊपर बैठ के जब जाता था नागपुर, क्योंकि नागपुर ये शॉर्टकट का ये रोड है, और शॉर्टकट के रोड में जाते हुए वो सीधा वहाँ पहुँच जाता था और आता था। ये कम्युनिकेशन करते वक्त ये एंशिएंट पिलर के टॉप लेवल पे आप देखेंगे तो यू का स्लॉट है, वहाँ वो बर्निंग फ्लेम यानी जलती मशाल लगाते थे, और फिर बाद में वो लाइटिंग के प्रकाश में यानी उनका कम्युनिकेशन अच्छे ढंग से होता था। तो ये इसको कंजर्व करके रखा है हमारे TATR मैनेजमेंट ने। ये जो जानवर आप सामने देख रहे हैं इसे गौर बोलते हैं, यानी इंडियन बाइसन। ये दक्षिण भारत के जंगलों में अधिकतर पाए जाते हैं। गौर्स एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इज अराउंड 13,000 to 30,000 इन द वर्ल्ड, विद अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन इंडिया। इन द साउथ दे आर फाउंड अबंडेंटली इन द वायनाड, मधुमलाई, बांदीपुर, नागरहोले रेंज। द बॉडी लेंथ ऑफ गौर इज यूजली 250 to 360 cm with a height of 170 to 220 cm. Males may weigh between 1,000 to 1,500 kg and females between 700 to 1,000 kg. It is the largest species among the wild cattle. Threats: poaching, due to high demand of gaur meat, inka shikar kiya jata hai. Habitat loss, due to deforestation and commercial plantations. Human-animal conflict. सन 1905 में यहाँ बाघ के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1931 में अन्य जानवरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सन 1955 में स्वतंत्र भारत में ताड़ुआ को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। सो गाइस, यू कैन सी ऑन माय, मेरी दोनों तरफ देख सकते हैं, बैम्बू की अच्छी यहाँ पे पॉपुलेशन है, बैम्बू प्लांटेशन काफ़ी है यहाँ पे। कहते हैं कि 50% जो है यहाँ पे बैम्बू के ट्रीज है। देखिए तो अभी एक चेक पॉइंट पर रुके हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि आपको दोबारा से एक बार अपनी एंट्री करानी होती है। सो यू कैन से दैट ये एक सेकंड चेक पॉइंट है, और किसी को भी वॉशरूम जाना हो तो जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे फिर नहीं मिलेगा। तो हमारे गाइड भैया जो है अभी गए हैं एंट्री कराने। तो अभी पीछे हमारे को गौर दिखा, मेल गौर, बहुत अच्छा कैप्चर करो उसको, बहुत अच्छा शॉट्स मिले हमारे को। सूरज निकल रहा है, ऑलमोस्ट निकल ही चुका है अब तो, मेरे आप पीछे देख सकते हैं। एंड बस ड्राइवर भी आ गए हमारे, गाइड भैया भी आ गए। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसा एक्शन हमारे को देखने को मिलता है। फिंगर्स क्रॉस्ड लाइक ऑलवेज। चलो फिलहाल तो यहाँ पे अपने को अभी तक कोई टाइगर साइटिंग हुई नहीं है। एक्चुअली अभी तक कोई अलार्म कॉल्स भी नहीं आई हैं, तो काफ़ी देर से चक्कर लगा रहे हैं जंगल में। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकी जो कि एक मेलेनिस्टिक लेपर्ड है, उसके बाहर निकलने की काफ़ी आशंका है। ये हमारे गाइड सर हैं, ये थोड़ा बताएंगे ब्लैकी के बारे में। जस्ट कुछ मिनटों पहले यानी यहाँ जो सुबह के जो लोग आए थे उनको यानी ब्लैक लेपर्ड 7 साल पहले कन्वर्ट हुआ था
मिलेनियन फैक्टर की वजह से, तो वो अंदर में हो सकता है। और यहाँ जितने भी इन्हें व्हीकल है वो एक चांस लेना चाहते हैं साइटिंग के तौर पे, तो हम भी यहाँ थोड़ा रुके हुए हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। पूरा कवर करने का अनसर्टेन इवेंट कभी कभी हाथ में लग जाता ना सर, छोड़ने का नहीं। खाद्य आता सुकून गला घर लोक रिंग बहुत टाइम के बाद में सांभर की अभी अलार्म कॉल हुई है, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास में, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ दिख जाए। सांभर की कॉल है तो ऑब्वियसली कंफर्म कॉल है कि टाइगर है इस एरिया के अंदर। अभी लेक के किनारे हम लोग रुके हुए हैं और गाड़ियां भी सब आगे कुछ आगे रुकी हैं, कुछ पीछे रुकी हैं। देखो थोड़ा वेट करते हैं। ताड़ोबा झील बाघ के जंगल और व्यापक खेत के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। ये झील एक ब्रह्मासी जल स्रोत्र है जो मगरमच्छों को पनपने के लिए एक अच्छा आवास प्रदान करती है। रिजर्व के भीतर अन्य अद्रभूमि क्षेत्रों में कोलसा झील और अंधारी नदी शामिल हैं। आज लगभग 90 बाघ रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जबकि 150 बाघ अन्य भागों में निवास कर रहे हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध बाघ जैसे माया T12, मटकासुर T54, वागडो T33 और अन्य बाघ इस समृद्ध जंगल की देन हैं। ये वही बाघ हैं जिन्होंने अन्य बाघ अभयारण्यों के जीन पूल को फिर से भरने में योगदान दिया है और ताड़ोबा को ग्लैमर से जोड़ा है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ने दुनिया को चार बाघ बहनों के असाधारण व्यवहार की एक कहानी पेश की है, जिसे टाइगर सिस्टर्स ऑफ तेलिया के नाम से जाना जाता है।
इन असाधारण जीवों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को यहाँ आकर्षित किया है। And the waves keep crashing over me.